नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मथुरा जनपद दौरे पर आए एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण सर्वप्रथम पहुंचे पुलिस लाइन में। इस दौरान उनकी आगवानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा शैलेश कुमार पांडे सहित एसपी देहात, एसपी सुरक्षा आनंद कुमार सहित विभिन्न पुलिस आला अधिकारियों ने की। मीडिया से मुखातिब होते हुए एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण जी ने कहा कि अपराध अपराधियों पर अंकुश लगाना हमारा मुख्य बिंदु है। मथुरा से पुलिस लाइन से कृष्णा गुप्ता के साथ एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण के दौरे को लेकर इस पूरे घटनाक्रम को मथुरा पुलिस ने एक चैलेंज की तरह से लिया और मथुरा पुलिस में एसएसपी के निर्देशन में नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया और पिछले 8 दिनों से लगातार इस घटना के अनावरण के लिए मथुरा पुलिस द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। कल इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में बदमाशों से मुठभेड़ हुई, इसमें 7 बदमाश पकड़े गए हैं। 3 बदमाशों को गोली लगी है, वो घायल हैं। उन्होंने इन घटनाओं के बारे में इकबाल किया है और जो घटना में लूटी हुई संपत्ति थी उनकी निशानदेही पर बरामद की। ये मथुरा पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया गया है और एक्सप्रेस वे पर यात्रियों की सुरक्षा को लगातार बरकरार रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण आए जनपद में, जहां पर विगत 9 दिन पहले जमुना एक्सप्रेसवे पर जो घटना को जो साहसिक वारदात को दिया दबंगों ने अंजाम, दबंगों की दबंगई चरम सीमा पर व्याप्त है। इस दौरान एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण जी करने आए दौरा मथुरा में पुलिस लाइन सभागार पहुंचे सर्वप्रथम जिनकी अगवानी की मथुरा के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे सहित एसपी सिटी एमपी सिंह, एसपी सुरक्षा आनंद कुमार, एसपी देहात त्रिगुण बिसेन सहित तमाम पुलिस प्रशासनिक अमले में। तो वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हमारा मुख्य बिंदु अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाना है। मथुरा के पुलिस लाइन सभागार से देखिए जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता के साथ। नमस्कार, खबर वही जो होती है हम दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।